बोलिए परम श्रद्धेय परम वंदनीय परम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की नवयुग के पथानुगामी साधकों, एक बार परम पूजनीय गुरुदेव से एक साधक ने पूछा कि गुरुदेव नवयुग की रचना कैसे होगी। तो उस समय गुरुदेव ने ये शब्द कहे थे कि आध्यात्मिक क्रांति ही मनुष्य की अंतर चेतना को परिवर्तित करती है और यही परिवर्तन नवयुग की रचना का आधार है। आध्यात्मिक क्रांति के स्तंभ रहे महर्षि अरविंद कहते हैं कि आध्यात्मिक क्रांति के पथ पर चल रहे पथिकों के लिए यदि आध्यात्मिक उपलब्धि को पाना है तो सतत आत्मचिंतन की आवश्यकता है, स्वाध्याय करना होगा, आत्म समीक्षा करनी होगी। समीक्षा जो कि सम उपसर्ग और इच्छा प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ शब्द है। सम माने संतुलन, इच्छा माने देखना, यानी संतुलित भाव से देखना ही तो समीक्षा है। समीक्षा के दो प्रकार स्वीकार किए गए हैं। पहली है भौतिक समीक्षा, किसी विषय वस्तु स्थान या साहित्य की किसी विधा की समीक्षा को भौतिक समीक्षा कहा जाता है। द्वितीय है तात्विक समीक्षा अथवा आत्म समीक्षा, जो तत्व का ज्ञान रखते हैं अपने अंदर उतर कर अपने भीतर की जांच पड़ताल करते हैं, उनके द्वारा की गई समीक्षा को आत्म समीक्षा कहा जाता है। आत्म समीक्षा को लेकर हमारे महामनीषियों के दिव्य विचार रहे हैं। तीन शब्द हैं साधकों, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा भगवान की करनी चाहिए, परीक्षा दूसरों की करनी चाहिए और समीक्षा स्वयं की करनी चाहिए। परंतु होता विपरीत है, हम प्रतीक्षा सुखों की करते हैं, परीक्षा परमात्मा की करते हैं और समीक्षा संसार की करते हैं। यदि अपने भीतर आत्म परिष्कार को प्राप्त करना है तो हमें आवश्यकता आत्म समीक्षा की है। आत्म समीक्षा के विषय में आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अनात्म चिंतनं त्यक्ता कश्मलं दुख कारणम चिंतयात्मानं आनंद रूपम यन मुक्ति कारणम, कि मोह रूपी अनात्म चिंतन का त्याग करो, ये दुखों का कारण है, और आनंद रूपी आत्मा का चिंतन करो क्योंकि ये साक्षात मुक्ति का कारण है। संत नारायण दास जी आत्म समीक्षा को अपने अंतःकरण का स्वच्छता अभियान मानते हुए ये कहते थे, जैसे घर की पाकशाला में बर्तन का भीतर से स्वच्छ होना जरूरी है, इसी प्रकार अध्यात्म की पाठशाला में नर्तन का भीतर से पवित्र होना जरूरी है। तो आइए साधकों, आज हम सभी मिलकर अपनी आत्म समीक्षा करते हैं। महाराज जी की समाधि काल से एक लंबे अंतराल से लेकर हम नित्य प्रति सत्संग विचारों को श्रवण तो करते हैं। महाराज जी अक्सरात कहते हैं, ये भक्ति मार्ग भीतर का मार्ग है, हमें भीतर उतरना होगा। तो क्या आज तक हमने अपनी समीक्षा की? आइए आज हम सब मिलकर अपनी आत्म समीक्षा करते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? यदि आप अपना सिर हाँ में हिला रहे हैं तो हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, यदि हम सभी आत्म समीक्षा के क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं सज्जनों, तो अपने गुणों से तटस्थ होकर हम आत्म समीक्षा करेंगे, क्योंकि गुण तो महाराज जी के दिए गए हैं, हमारे तो केवल अवगुण ही अवगुण हैं, और आज उन अवगुणों के ऊपर कार्य करना है। दो शब्द हैं, तलाशना और तराशना। आइए आज हम अपने भीतर उतरकर स्वयं के अवगुणों को तलाशते हैं, उन त्रुटियों को बाहर करते हैं जो हमारे साधक के पथ पर बाधा पैदा करते हैं। और अपने अवगुणों को जब हम बाहर करेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि महाराज जी शिष्य वत्सल बनकर हमारे अवगुणों को खत्म कर देंगे और हमें भीतर से तराश देंगे। सज्जनों, महाराज जी के समाधि में जाने से पहले हमने ये देखा कि जितने भी कार्यक्रम हुए
महाराज जी ने अपने आशीर्वचनों में अंत में साधकों को चार त्रुटियों का त्याग करने को कहा, और आज हम उन्हीं चार स्तरों पर उतरकर अपनी आत्म समीक्षा करेंगे। समीक्षा का प्रथम स्तर है अज्ञानता। सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार के अंदर व्यक्ति के दुखों का कारण क्या है? एक साधक जब आत्मचिंतन के क्षेत्र में उतरता है तो वो संसार के दुखों की जड़ के बारे में बताता हुआ क्या गाता है, आइए सभी मिलकर श्रवण करते हैं। सब दुखों का निदान है, या तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है। नफरतों से दूर हो, नफरतों से दूर हो, प्रेम के हरि नीति शतक में कहते हैं, एकः शत्रु न द्वितीयोस्ति शत्रु अज्ञान तुल्य पुरुषस्य राजन, कि इस संसार के अंदर अज्ञानता से बढ़कर व्यक्ति का शत्रु कोई और है ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी से एक बार एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ज्ञान और अज्ञान की परख कैसे की जाए? तो उस समय ठाकुर ने यह कहा था कि ईश्वर जब तक बाहर हैं तब तक वो दूर प्रतीत होते हैं, ये व्यक्ति की अज्ञानता है। जब वही परमात्मा हम अपने भीतर देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। जो हृदय मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हैं, वही जगत मंदिर में फिर ईश्वर का भी दर्शन करते हैं। करें दूरी अज्ञानता, अंजन ज्ञान सुदेय, बलिहारी वा गुरु के हंस उबार जुलेय, हंस उबार जुलेय। नमन करते हैं हम ऐसे गुरुदेव को जिन्होंने ज्ञान का अंजन लगाकर हमारे भीतर की अज्ञानता को खत्म कर दिया। चलिए अब दूसरे स्तर की अज्ञानता की बात करते हैं, एक साधक के जीवन की अज्ञानता। आप कहेंगे कि साधक के जीवन में भी अज्ञानता आती है? जी हाँ, अवश्य। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में पहला और बड़ा कदम है। हमारे जीवन की अज्ञानता तब शुरू होती है जब एक शिष्य मनमुखी हो जाता है। एक बार कबीर साहिब जी के पास साधकों की टोली आई और एक साधक ने कबीर जी से प्रश्न पूछा कि एक साधक के जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? तो उस समय कबीर साहिब जी ने कहा कि गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फंद। कि एक साधक की सबसे बड़ी ये अज्ञानता है जब ब्रह्म का साकार विग्रह सतगुरु बनकर पंचभूत देह में आता है, तो यदि शिष्य अपनी अज्ञानता की वजह से उन्हें एक साधारण इंसान समझता है तो वो कभी भी सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे धरती के पासा पलटते ही अंधेरा हो जाता है और धरती के पासा मोड़ते ही सूर्य प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार एक शिष्य जब मन की ओर मुख कर लेता है तो उसके जीवन में अज्ञानता छा जाती है। और जब यही मनमुखी से गुरुमुखी होने की जब एक शिष्य यात्रा करता है तो फिर ज्ञान का सूर्य भीतर प्रकट होता है। हमें इस अज्ञानता को कैसे काटना है? कबीर साहिब जी आगे समाधान देते हैं
गुरु सु ज्ञान जो लीजिए, सीस कीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए राख जीव अभिमान। कबीर साहिब जी ने बहुत अच्छा समाधान दिया। उन्हें कहा, यदि आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है तो अपना सीस गुरु को अर्पित कर दो। सीस अर्पित करने का क्या अर्थ है? सीस माने बुद्धि। ये बुद्धि है जो हमें बार बार गुरु पथ से, गुरु आज्ञा से दूर करती है। किसी भक्त ने बड़ा अच्छा कहा, कहते रूहों में भी दाग आ जाता है, रूहों में भी दाग आ जाता है जब गुरु के साथ रिश्ता निभाते निभाते दिलों में दिमाग आ जाता है, दिलों में दिमाग आ जाता है। सही बात है सज्जनों, जब जब ये रिश्ता हृदयेश्वर के साथ दिमाग से निभाया जाता है तब तब रूहों में दाग आ जाता है। बहुत अच्छा एक साधक ने लिखा कि पूर्ण गुरु खुद श्रेय नहीं चाहता, आगे शिष्य को है करता, करके खुद पीछे छिप जाता, प्रशंसा से शिष्य की झोली भरता। कुछ नादान होते हैं जो अहंकार है खुद पर कर जाते, अरे करने कराने वाले तो आशुतोष हैं पर जरिया हमको है बनाते। हमारे अंदर अथा बल है छिपा, वो आई ये समझाने को, वो हमको आम नहीं आए हैं खास बनाने को, आए हैं खास बनाने को। हमें अपनी इस अज्ञानता का त्याग करना होगा और इस समाधि काल के अंदर हमें अपनी बुद्धि को महाराज जी के चरणों में अर्पित कर देना है साधकों, ताकि बुद्धि की शुद्धि हो जाए और हमारे शिष्यत्व पर कोई दाग ना लगे। जब बुद्धि की शुद्धि हो जाती है तो कबीर साहिब जी बता रहे हैं परिणाम क्या निकलता है। परिणाम ये निकलता है कि गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो आर है, गुरु सुमिरे सो पार, गुरु सुमिरे सो पार। फिर गुरु परमात्मा से भी बढ़कर नजर आते हैं। जब शिष्य हृदय की गहराइयों में उतर कर देखता है तो उसके भाव बन जाते हैं जैसे भाव मुकुंद के थे। एक बार मुकुंद से उनके गुरुदेव युक्तेश्वर जी ने पूछा, मुकुंद यह बताओ कि इस संसार में सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है? तो उस समय मुकुंद ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव संसार वालों के लिए कोई भी तीर्थ उत्तम हो सकता है पर मेरे पास तीर्थ नहीं, मेरे पास तो महातीर्थ है। गुरुदेव मेरे पास ऐसा महातीर्थ है जिसमें एक बार स्नान कर लेने से मुक्ति स्वतः ही सुलभ हो जाती है। जहां एक बार एक शिष्य चला जाए तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो तीर्थ कोई और नहीं, मेरे पास गुरु तीर्थ है, मेरे पास गुरु तीर्थ है। सही बात है सज्जनों, जिसके जीवन में गुरु रूपी तीर्थ आ जाता है उसके जीवन की अज्ञानता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आवश्यकता है कि अपनी बुद्धि को शिष्य गुरु चरणों में अर्पित कर दे। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि परमात्मा रुष्ट हो जाए, क्रोधित हो जाए तो गुरु शिष्य की रक्षा करता है, पर यदि गुरु कुपित हो जाए तो फिर परमात्मा भी शिष्य का सहाय नहीं बनता है। इसलिए आइए आज आत्म समीक्षा में उतर कर हम सर्वप्रथम अपनी अज्ञानता को महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दें, तभी हमारा शिष्यत्व प्रखर हो पाएगा। आइए चलते हैं समीक्षा के दूसरे स्तर पर, अन्याय। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार न्याय और अन्याय की अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है, पर एक साधक न्याय को जीवन की मर्यादा स्वीकार करते हुए अपने भावों में क्या गाता है, आइए सभी मिलकर श्रवण करते हैं। अन्याय ना
गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी सभी संतानों को बहुत सारे संबोधन दिए हैं। आज उनमें से दो संबोधन हम लेते हैं, प्रथम आत्मीय परिजन और द्वितीय सृजन साधक। ये आत्मीय परिजन का अर्थ क्या है? आत्मीय मैंने अपना, परिजन माने परिवार का सदस्य। हमारा आत्मा के साथ महाराज जी का संबंध परमात्म रूप में पूर्ण रूप से जुड़ पाए और हमारी आत्मा के साथ कभी अन्याय ना हो, इसके लिए हमें दो तरह के न्यायों के बारे में महाराज जी ने बताया है। प्रथम न्याय बिडाल न्याय और द्वितीय मरकट न्याय। जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को पूर्ण रूप से समर्पित होता है, माँ अपने दांतों में उठाकर उसे कहीं भी लेकर जाए, ये बिल्ली के बच्चे का विश्वास है कि मेरी माँ मुझे गंतव्य तक ले ही जाएगी। और इसके बिल्कुल विपरीत बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, उसकी पकड़ तनिक भी ढीली नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो इतना कसकर पकड़ता है अपनी माँ को कि उसकी माँ बड़े बड़े पर्वत या बड़े बड़े वृक्ष भी लांग जाती है तो उसकी पकड़ ढीली नहीं होती और बंदर का बच्चा अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, एक शिष्य का समर्पण और विश्वास गुरु के प्रति बिल्ली के बच्चे की तरह होना चाहिए और गुरु के आदर्शों और सिद्धांतों पर एक शिष्य की पकड़ बंदर के बच्चे की तरह मजबूत होनी चाहिए कि जरा सी विरोध की आंधियों में वो विश्वास डगमगा जाए। ऐसा विश्वास और ऐसा समर्पण एक शिष्य का बिल्कुल भी नहीं होता। शिष्य की पकड़ मजबूत होनी चाहिए गुरु के आदर्शों और गुरु के सिद्धांतों पर, तभी हमारा आत्मीय परिजन जो प्रभु ने संबोधन दिया है ये पूर्ण अर्थों में प्राप्त हो पाएगा और महाराज जी के द्वारा दिए गए इस संबोधन के साथ हमारा अन्याय नहीं होगा। चलिए चलते हैं द्वितीय सृजन साधक। सृजन माने निर्माण, साधक शब्द तीन अक्षरों से मिलकर बना है, साधक। सा माने साधना, ध माने धर्म और क माने कर्म। सज्जनों जैसे अग्नि उष्णता के बिना अधूरी है, जैसे जल शीतलता के बिना अधूरा है, जैसे पुष्प सुगंधि के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक साधक साधना के बिना अधूरा है। आज के इस संधि काल के अंदर समय की ये मांग है और जितने अंतः अनुभूतियां हो रही हैं उनका यही एक सार है, डटकर साधना करो। महाराज जी अनुभूतियों में आकर बार बार ये समझा रहे हैं, कड़ी साधना करो, प्रचंड साधना करो, लक्ष्य निहित साधना करो, संकल्प सिद्धि साधना करो। ये साधना कैसी है? लक्ष्य निहित साधना, संकल्प सिद्धि साधना। महाराज जी ने एक अंतः अनुभूति में बताया, जिस साधना का लक्ष्य स्वहित की भावनाओं से ऊपर उठकर परहित की भावनाओं से युक्त हो, विश्व कल्याण की भावनाओं से युक्त हो, वही साधना लक्ष्य निहित साधना कहलाती है। परंतु जब साधना करते हैं ना, हम अपने साथ खुद ही अन्याय कर लेते हैं। कैसे? बहुत सारे प्रेमी हमें मिलते हैं, वो हमें यही कहते हैं, स्वामी जी साधना तो नहीं हो रही पर हम सुमिरन रोज करते हैं, सुमिरन 24 घंटे करते हैं। कई साधक ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारी सेवा ही हमारी साधना है। ये ऐसी उक्तियां हैं जो हमारी आत्मा के साथ अन्याय कर सकती हैं। साधकों, सेवा साधना है या नहीं है, आइए विचार करते हैं। एक बार महाराज जी ने स्वतः ये शब्द बताए थे। महाराज जी कहते हैं, सुमिरन में और साधना में अंतर है। बच्चे का निर्धारित समय में स्कूल में बैठकर पढ़ना और चलते फिरते पढ़ने में जैसे अंतर है, यही अंतर साधना में और सुमिरन में है। जैसे बच्चा स्कूल में 4-5 घंटे बैठता है और फिर वही बच्चा चलते फिरते भी पढ़ाई में अपना मन लगा सकता है, इसी प्रकार हमें भी साधना में बैठना होगा, फिर ही हम चलते फिरते गुरु की आज्ञाओं पर मनन और मंथन कर सकते हैं, गुरु भक्ति से ओतप्रोत हो सकते हैं। आज ऐसी साधना की मांग है सज्जनों,
हे सफल साधना सबके हित में जो हो, दूसरों के दुखों की दवा जो बने, जो साधना पर हित की भावना से युक्त हो, विश्व कल्याण की भावना से युक्त हो, वही साधना न्यायकारी साधना मानी गई है। दृढ़ हौसलों से है मंजिल को पाना, हे अवसर सुनहरा ना इसको गवाना, अंधेरे भी हो तो पग तुम बढ़ाना, निश्चित ही तुमको मिलेगा ठिकाना, करो साधना है यही न्यायकारी, सो या जागो समझ ये तुम्हारी, समझ ये तुम्हारी, आज जागने की वेला है। स्वामी विवेकानंद जी अक्सरात कहा करते थे कि जीवन में प्रत्येक कार्य के साथ समझौता कर लेना, पर जहां पर आत्मा के साथ अन्याय हो वहां पर कभी समझौता मत करना, साधना करना ताकि समझौता करना ही ना पड़े। आज आवश्यकता है हम डटकर साधना करें। सा माने साधना, ध माने धर्म। जब हम साधना करेंगे तभी हम धर्म पथ पर चल पाएंगे, क्योंकि साधना करेंगे तो हमें अपराध बोध होगा, अपराध बोध होगा तभी तो अगाध बोध होगा, इसलिए अपराध बोध से अगाध बोध की यात्रा का नाम ही साधना है। फिर क, क माने कर्म। फिर हम सच्चे कर्म योगी बनकर विश्व शांति के यज्ञ में आहुति दे पाएंगे जब हम डटकर साधना करेंगे। सज्जनों, आपके द्वारा किए गए रक्तदान से यदि व्यक्ति का जीवन बच सकता है तो आज साधना में किए गए रक्तदान से पूरी मानवता को बचाया जा सकता है। आइए हम आत्म समीक्षा कर रहे हैं, आज हम ये संकल्प करें कि हम डटकर साधना करेंगे और जब तक महाराज जी समाधि से लौटकर नहीं आते हम अपनी आत्मा के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करेंगे, साधकों अन्याय नहीं करेंगे, ये संकल्प लें। आइए चलते हैं आत्म समीक्षा के तृतीय स्तर पर, अभाव। सज्जनों, भक्ति पथ तो है ही भावों का विषय, भक्ति रूपी देह के प्राण है भाव, तभी तो कहा गया भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना नहीं भाव, भक्ति भाव एक रूप है दो एक सुभाव। निष्काम भावना से युक्त होकर एक साधक जब अपने अंतःकरण में उतरता है तो अपने गुरुदेव के आगे क्या भाव याचना करता है, आइए सभी मिलकर श्रवण करते हैं। ऐसे निष्काम सेवा के हो याचना, कार्य गुरुवर का संपूर्ण हम कर सके, रक्त का एक कतरा भिजाया न हो, ध्येय जब तक न पाले कदम न थके, ऐसे निष्काम सेवा के हो याचना। भक्ति पथ पर शिष्य के भाव गुरु को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। यूं तो भक्ति पथ पर बहुत सारे भाव बताए गए हैं, जैसे कि दास्य भाव, अर्चन भाव, वात्सल्य भाव, आत्मनिवेदन भाव इत्यादि, पर इन सभी भावनाओं का आधार निष्काम भावना होनी चाहिए। निष्काम कर्म का ये अर्थ नहीं है साधकों कि हमें बिल्कुल कोई कर्म करना ही नहीं है, कर्म करें पर फल की भावना का त्याग करके करें, उसे कहते हैं निष्काम कर्म। हम भावनाओं के अंदर दो भावों का पक्ष लेते हैं, प्रथम भावों की कृत्रिमता और द्वितीय अभावों में भी शिष्य का भाव बना रहे। महाराज जी हमेशा ये कहते हैं श्रद्धा और विश्वास कभी टूटे ना। ये श्रद्धा क्या है आइए विचार करते हैं। किसी भक्त ने श्रद्धा की बहुत अच्छी परिभाषा दी, उन्होंने कहा हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए वो परमात्मा है। जब वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, ये हमारी श्रद्धा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तु उपलभ्यते, अर्थात
कि शास्त्रों के अंदर जो गुरु के वचन कहे गए हैं उनमें अपनी सत्यत्व बुद्धि को स्थापित करना और उसमें अपने जीवन को लगा देना, यही सज्जनों ने श्रद्धा कही है। और श्रद्धा से प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। सज्जनों, आज हमें श्रद्धा को धारण करना होगा। और विश्वास के विषय में बहुत अच्छी बात कही गई। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा था कि गुरुदेव विश्वास किसे कहते हैं। महाराज जी भी अक्सरात कहते हैं कि आस्था और विश्वास से मित्रता करो, कठिनाइयों से भरा रास्ता स्वयं ही टल जाएगा। राजा जनक पूछ रहे हैं कि ये आस्था क्या है, विश्वास क्या है। एक पंक्ति में गुरु अष्टावक्र जी ने कह दिया, जहां पर शिष्य के मन में गुरु के प्रति तनिक भी संशय और संदेह ना रहे, वहीं पर विश्वास पोषित होता है। सज्जनों, आज इस संधि काल की वेला में हम सभी याद रखें कि आज यदि विश्वास करेंगे तो बड़े से बड़े पहाड़ को विश्वास करके खदेड़ा जा सकता है और छोटा सा संदेह करके बड़े से बड़े पहाड़ को खड़ा भी किया जा सकता है। अभावों में भी हमारा भाव गुरु के प्रति बना रहे। कहते हैं, जब स्वतंत्रता संग्राम बुलंदियों पर था उस समय एक विचित्र घटना देखने को मिली। एक नवयुवक अपने हृदय में क्रांति का जज्बा लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा। आप कहेंगे इसमें ऐसी कौन सी विचित्रता है? विचित्रता यह है कि वो नवयुवक अपनी विधवा मां का इकलौता पुत्र था और ऊपर से नेत्रहीन भी था। जब वो जंग की ज्वाला के अंदर कूदने में तैयार हो गया तो उसकी मां ने कहा, पुत्र तुम तो नेत्रहीन हो और तुम देश के लिए क्या करोगे? और अभाव के अंदर उस नव युवक के भाव कैसे रहे? कहने लगा, मां, माना कि मैं नेत्रहीन हूं, मैं देश के लिए कुछ कर नहीं सकता, पर अपने सीने पर दुश्मन की गोली झेल कर मैं दुश्मन की एक गोली तो कम कर सकता हूं ना। सही बात है सज्जनों कि अभाव में भी उस नव युवक का भाव बना रहा देश के लिए कुछ कर गुजरने का। तभी तो किसी देशभक्त ने, कवि ने कहा, नमन उन्हें मेरा शतबार, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा शतबार, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा शतबार, नमन उन्हें मेरा शतबार। हम नमन करते हैं ऐसे शहीदों को जिनके अंदर देशभक्ति का भाव अभाव में भी बना रहा। और हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं साधकों, कितने भी अभाव आ जाएं, सुदामा की कहानी, संत रबिया की कहानी, स्वामी राम तीर्थ की कहानी हम सुनते आ रहे हैं कि जीवन में कितना भी अभाव हो पर हमारे भीतर की ये भावना हमेशा प्रबल होनी चाहिए गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव हम श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ते जाएं। महाराज जी के भजनों में आपने तितिक्षा शब्द की गूंज बहुधा सुनी होगी। एक साधक के जीवन की सबसे बड़ी तितिक्षा क्या है, तितिक्षा का अर्थ क्या होता है, आज आपको बताते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, तितिक्षा करो। उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव तितिक्षा किसे कहते हैं? तो गुरुदेव ने कहा, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितं सा तितिक्षा निगद्यते। बिना प्रतिकार किए सभी दुखों को सहना, चिंता और विलाप से रहित रहना, यही शिष्य की सबसे बड़ी तितिक्षा है। तो आइए साधकों, आत्म समीक्षा के क्षेत्र में उतरे हुए हम अपने भावों का दीपक, श्रद्धा की बाती, विश्वास के तेल और तितिक्षा की ज्योति से प्रज्वलित कर भक्ति पथ पर आगे बढ़े, भक्ति पथ पर आगे बढ़े। समीक्षा का अंतिम स्तर आलस्य, जिसे त्यागने के लिए ग्रंथों में बार बार कहा गया। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हमारे वेदों में कहा गया, आलस्यं ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का महान शत्रु है। सुखं दुखांतं आलस्यं, आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम दुख है। दो शब्द हैं सजनों, आलस्य और प्रमाद। मूलतः
आलस्य और प्रमाद को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आलस्य तन और मन की सुस्ती का नाम है, जबकि प्रमाद चेतना की सुषुप्ति का नाम है। प्रमादी व्यक्ति अंतःकरण से चेतना से मूर्छित हो जाता है, उसकी चेतना सुषुप्त हो जाती है। और जब चेतना को ज्ञान की भूख ना रहे तो समझ लेना व्यक्ति प्रमादी बन चुका है। मर जिन्हें अपनी परमार्थी और पुरुषार्थी संतानों के लिए ये भाव रखे, हो संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए इस जहां में अकारण नहीं हो, तुम अर्जुन हो मेरे हनुमान हो, तुम हो आंखों के तारे मेरी जान हो तुम। मर जिन्हें दो पात्रों के नाम लिए, हनुमान और अर्जुन। चलिए चलते हैं हनुमान जी के चरित्र की ओर। पवन पुत्र हनुमान, उनके जीवन में विश्राम था ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी ये जानते थे जो राम प्रिय है वो विश्राम प्रिय हो ही नहीं सकता, और जो विश्राम प्रिय है वो राम प्रिय हो ही नहीं सकता। हनुमान जी का चरित्र विश्राम मुक्त है। हम राम कथा में सुंदर कांड श्रवण करते हैं, जब प्रभु श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी समुद्र लांघने को उद्यत हुए तो उनके मार्ग की सबसे पहली परीक्षा मेनाक पर्वत, जो आलस्य और विश्राम का प्रतीक है। उन्होंने आलस्य और विश्राम का त्याग किया तभी भक्ति रूपी सीता को प्राप्त कर पाए। आज हमें भी विश्राम को त्यागना होगा। भक्त प्रवर हनुमान जी ने विश्राम का त्याग किया तो उनके द्वारा की गई यात्रा सुंदरकांड के रूप में रामचरितमानस का प्राण तत्व बन गई। चलिए चलते द्वापर युग में। अर्जुन एक ऐसे पात्र हुए, हमने श्रीमद् भगवद गीता का गहन अध्ययन किया तो उसमें एक रहस्य सामने आया। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने जहां पर अर्जुन को आत्म तत्व से जोड़ने की और स्वयं के ब्रह्म तत्व को दर्शाने की बात की, वहां पर अर्जुन के लिए गुड़ाकेश शब्द का संबोधन दिया। गुड़ाकेश यानी निद्रा को जीतने वाला। भयंकर काल रात्रि में भी अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, यानी उन्हें निद्रा को जीत लिया और वही अर्जुन का जीवन फिर गीता बन गया। तभी तो किसी भक्त ने कहा, बीते का जिसको शोक नहीं, जो वर्तमान में जीता है वह पा लेता अपनी मंजिल, उसका जीवन फिर गीता है, उसका जीवन फिर गीता है। ये आलस्य और प्रमाद और भी घातक हैं जब ये ब्रह्म मुहूर्त में आ जाए। ब्रह्म मुहूर्त साधकों के लिए साधना करने का एक विशेष समय। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बहुधा देखा जाता है कि साधक आलस्य करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त की महानता के बारे में यह भी कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त की नींद हमारे पुण्यों का नाश कर देती है, इसलिए साधको जागो, ये जागने की वेला है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, कहते भाग्यशाली हैं वो लोग जो चलते हैं, पर उससे भी भाग्यशाली वो लोग हैं जो चलने के साथ जागकर चलते हैं। जिन्होंने अपने चलने में जागने का गुण जोड़ लिया उनका भटकाव खत्म हो जाता है। सजनों मुझे याद है नूर महल आश्रम में एक बार एक बहुत दूर से चलकर एक युवक एक साधक महाराज जी के चरणों में आया और अपनी जिज्ञासा को रखते हुए कहने लगा, गुरुदेव मैं मिशन के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूं, पर जब अपने अंदर टटोलता हूं तो आत्मिक बल की कमी पाता हूं, मैं क्या करूं। तो उस समय महाराज जी ने एक ही पंक्ति कही थी, तुम ब्रह्म मुहूर्त में साधना किया करो। सही बात है, यदि आत्मिक बल को अर्जित करना है तो ब्रह्म मुहूर्त की साधना हम सभी साधकों को करनी चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक पौराणिक महत्व भी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 14वें सर्ग के 49वें श्लोक में आता है। बहुत अच्छा कहा वाल्मीकि जी ने, संध्या काल मनः श्यामा ध्रुव मिष्यति जानकी, कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो प्रभात का संध्या यानी उपासना काल था, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय था। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मां सीता को खोजने के लिए जब निकले तो अपनी मंजिल को उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में ही प्राप्त किया। हमने सुंदर कांड की रहस्यात्मक विवेचना को कई बार श्रवण किया है कि हनुमान यदि भक्त के प्रतीक हैं तो मां जानकी पराभक्ति की प्रतीक हैं,
यानी एक भक्त का भक्ति को पाने का समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तभी तो हनुमान जी अशोक वाटिका में ब्रह्म मुहूर्त के समय पहुंचे थे। इसलिए साधकों इस बात को याद रखिए, महाराज जी ने एक बार खुद कहा था, जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वह लक्ष्य विहीन, विवेक विहीन, चरित्र विहीन और उत्साह विहीन हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी कारण के कभी किसी साधक को सोना नहीं चाहिए, डटकर साधना करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लेना चाहिए। किसी विचारक ने तो यहां तक कह दिया कि जब आप सुबह उठते हैं फिर 5 मिनट सोने का और फैसला ले लेते हैं, तभी आपकी दिन की पहली विफलता आरंभ हो जाती है। इसलिए साधकों आइए आज आत्म समीक्षा के क्षेत्र में उतरे हैं, हम ये संकल्प लें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सोकर अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। किसी पाश्चात्य विचारक ने कहा, इफ यू आर किलिंग टाइम इट इज नॉट मर्डर इट इज सुसाइड। यदि आप समय को व्यर्थ गवाते हैं तो ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या है, आपका अपना ही नुकसान है इसमें। साधकों, जिन जीवन जागृति के जिज्ञासुओं ने अपने गंतव्य को प्राप्त किया, उनको भी 24 घंटे ही दिन में मिले थे, चाहे वो मीराबाई जी थी, चाहे वो विवेकानंद जी थे, उन्होंने 24 घंटे में ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। हम भी 24 घंटे रोज जीते हैं, हम भी साधना करें, कम से कम एक दिन में 4 घंटे की साधना जरूर विश्व शांति के यज्ञ में अर्पित करें। आइए आज हम सभी साधक मिलकर ये प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट के आगे कि हमारा जीवन सार्थक हो पाए, हम आत्म जागृति से युक्त हो पाए और हमारे जीवन की सार्थकता के शब्द हमें खुद ही देने पड़ेंगे। तो आत्म जागृति में उतरा एक साधक अपने गुरुदेव के आगे क्या प्रार्थना करता है, आइए हम सभी मिलकर अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आइए, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो, हे नाथ अब तो, हे नाथ अब तो। हमारा जीवन इस विश्व शांति के यज्ञ की आहुति बन सके, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इसलिए आइयो सज्जनों, हम सभी अपने आलस्य का, प्रमाद का त्याग करें। महाराज जी ने तो पहले ही समाधान दे दिया, यदि नित्य साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं रहेगा। और यदि हम नित्य सत्संग, चिंतन मनन श्रेष्ठ कर, हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा, हमारा मनन श्रेष्ठ होगा, जब हम सत्संग से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी आलस्य नहीं आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, डटकर साधना करें। आलस्य और विश्राम का ये अर्थ नहीं है कि सोना नहीं है, सोइए, जो विश्राम निश्चित है शरीर के लिए वो देना है। जैसे शेख सादी जी ने कहा था, जीने के लिए खाओ ना कि खाने के लिए जियो, इसी प्रकार हम आपको कहते हैं, जीने के लिए सोइए पर ना कि सोने के लिए अपने जीवन को बिताइए, नहीं तो जीवन आलस्य और प्रमाद के वशीभूत हो जाएगा। हम जागें तो समाधान स्वरूप अंत में यही कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में ना तो अज्ञानता हो, ना अन्याय हो, ना अभाव हो, ना आलस्य हो, तभी आत्म समीक्षा के क्षेत्र में उतर कर
हम अपने भीतर की इन कमियों को खत्म कर सकते हैं तो हमें क्या करना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि जीवन में, एक साधक के जीवन में, यानी हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार रहे ही ना, तो इसके लिए समाधान क्या है। तो समाधान स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत् समाधानं इत्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम। उन्होंने कहा कि अपनी बुद्धि को शुद्ध रूप से गुरुदेव के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में अर्पित कर दो, विवेक से युक्त हो जाओ, तो इस भक्ति पथ से आपको कोई भी डिगा नहीं सकता है, आपके कदम कोई भी हटा नहीं सकता है। हम आपको एक छोटी सी अंतः अनुभूति सुनाना चाहेंगे। एक माता जी ध्यान की अवस्था में बैठे तो उन्होंने महाराज जी के दर्शन अपने अंतःकरण में किए, तो कहने लगे, महाराज जी आपका समाधि से लौटकर आना तो निश्चित है, पर इस समाधि काल के अंदर, संधि काल की वेला में हम भक्ति पथ पर कैसे चलें और कैसे आपका इंतजार करें। तो महाराज जी ने उसे कहा, तू दो पंक्तियों को याद रखना है यदि इस भक्ति पथ पर चलना है और हमारा इंतजार करना है। और उन दो पंक्तियों को महाराज जी ने कैसे सुनाया, महाराज जी कहते, विवेक से विचार करो, विचार पर विश्वास करो, विश्वास से इंतजार करो, और इंतजार में अपने गुरु का दीदार करो, अपने गुरु का दीदार करो। महाराज जी ने यही समाधान दिया कि हम विवेक से भक्ति पथ पर आगे बढ़ें, विचार करें, फिर जो विचार साधना के द्वारा हमारे भीतर से निकल कर आता है मंथन बनकर, उसको अपने जीवन में धारण करें, और फिर विवेकी भक्त बनकर गुरुदेव का इंतजार करें। फिर महाराज जी लौट कर आएंगे और हम नवयुग में फिर उनका दर्शन भी पाएंगे, क्योंकि आज विवेकी भक्त बनना है। तो मैं दोबारा आपको सत्संग के आरंभ वाली पंक्ति में लेकर जाना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा, आध्यात्मिक क्रांति ही व्यक्ति की चेतना को परिवर्तित करती है, और यही परिवर्तन नवयुग की रचना का आधार है। हमें भी इस आध्यात्मिक क्रांति के पथ पर चलना है। तो महाराज जी ने अपनी समाधि काल से पहले जो अपने सत्संग के अंत में शब्द कहे, अज्ञानता, अन्याय, अभाव और आलस्य का त्याग प्रत्येक साधक को करना होगा, तभी भक्ति पथ पर हम आगे बढ़ पाएंगे। और अंत में इन्हीं विचारों के साथ कि अंधेरा भागता है, सूर्य जब हो छविमान उठता, शिलाएं सिर झुका देती हैं, जब मात्र एक तूफान उठता, किसी से क्या पूछते हो, दुनिया का इतिहास साक्षी है, सभी शैतान गिरते हैं, जब मात्र एक इंसान उठता, तुम ही तो वो इंसान हो, आशुतोष की संतान हो। अज्ञानता, अन्याय, अभाव और आलस्य का त्याग कर जीवन को पर्व बनाना है, सत्य पथ पर अडिग्रह नवयुग धरा पर लाना है। शिवात्मक संकल्प लेकर हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ते जाएं। इसी मंगल कामना के साथ हम अपने विचारों को महाराज जी की प्रेरणा के द्वारा यहीं पर विराम देते हैं। तो आइए प्रभु के चरणों में जय घोष करें, बोलिए नवयुग प्रणेता गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय।